बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी क्लियर वन थिंग कि मैं से पहले भी ये ट्यूटोरियल वीडियो डाल चुका हूँ जिसके अंदर मैंने पेन ड्राइंग से रिलेटेड सभी बेसिक्स कवर किए थे। सो आई विल सजेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वीडियो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। द फर्स्ट थिंग विच आई डिस्कस इन दैट वीडियो वाज पेन कौन सी इस्तेमाल करनी है, और इस बारे में मैंने तुम्हें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया था उस वीडियो में, लेकिन तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए मैं उस क्लिप को यहाँ पर चला लेता हूँ एक बार। तो देखो मैं बात कर रहा हूँ स्मूथ शेडिंग की। तो तुम ऐसे ही हर कोई पेन यूज नहीं कर सकते, और ऐसी पेन तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है जो कि सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ टेक्सचर दे। अब ये सिंगल टाइप ऑफ टेक्सचर क्या है, तो इसका मतलब ये है कि या तो वो चलाने पर सिर्फ डार्क चले या सिर्फ लाइट चले। तो तुम्हें ऐसी ही पेन इस्तेमाल करनी है जो कि लाइट और डार्क दोनों टेक्सचर दे। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि हम ऐसी पेन कहाँ से ढूंढे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम इस्तेमाल कर सकते हो सेलो की फाइन ग्रिप बॉल पेन। और हाँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो अगर इसके अलावा कोई और पेन भी तुम्हारे दिमाग में है तो कमेंट में बता देना, मैं उसे पिन कर दूंगा। और इस क्लिप को देखने के बाद मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे, भाई सेलो की स्टाइलो भी यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, अग्नि पेन चलेगा ब्रो, हम सेलो ग्रिपर इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? सिर्फ बटरफ्लाई लिंक स्टार लाइन जेल पेन इस्तेमाल कर, नहीं करनी है जेल पेन इस्तेमाल, सिर्फ बॉल पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो इस दुनिया में काफी सारी वैरायटी की पेन अवेलेबल है, दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हिच टाइप ऑफ पेन विल बी बेस्ट फॉर स्मूथ शेडिंग। और वैसे भी स्किल्स मैटर्स मोर देन एनी पेन। तो पेन के बाद चलो अब दूसरे स्टेप पे बढ़ते हैं, पेन कंट्रोल। तो देखो पेन कंट्रोल प्लेज अ मेजर रोल इन द पेन ड्राइंग्स। इसकी प्रैक्टिस के लिए तुम्हें पहले एक बॉक्स बनाना है, और फिर तुम्हें अपनी पेन को थोड़ा ऊपर से पकड़ना है एंड उसे लाइट प्रेशर के साथ में पेपर पे मूव करना है, और फिर तुम्हें पूरा बॉक्स फिलअप कर लेना है। और इतना करने के बाद तुम्हें यही सेम चीज रिपीट करनी है, इस बार जो लाइन है वो दूसरी डायरेक्शन में होगी। और इस तरीके से तुम पेन कंट्रोल की प्रैक्टिस कर सकते हो। और यही से निकल के आता है हमारा लेयर्स वाला कॉन्सेप्ट, जिसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया। इतना सीखने के बाद अब चीजें थोड़ी मुश्किल होने वाली है। तो सबसे पहले तुम्हें एक रेक्टेंगल बना लेना है। अब सपोज कि यहाँ पर राइट साइड में एक टॉर्च पड़ी है जहाँ से कि लाइट निकल के आ रही है। अब इतना तुम सभी को पता होगा कि जिस पार्ट पे लाइट स्ट्राइक कर रही है वो लाइट होगा, और जैसे जैसे हम इसके पीछे बढ़ेंगे रेक्टेंगल के वो कंपैरेटिवली डार्कर होता चला जाएगा। तो अब तुम्हें इसी को शेड करने की प्रैक्टिस करनी है। सो लेट मी शो यू फर्स्ट कि इसे किया कैसे जाता है। तो मैंने पूरे में बेस एंड फर्स्ट लेयर कर ली है, और अब मैं मल्टीपल लेयर का इस्तेमाल कर जहाँ पर लाइट पड़ रही थी सिवाय उसके बाकी सब में मैं शेड करूंगा। और एक बार तुम इतना करना सीख गए देन मुबारक हो, यू आर नॉट अ बिगनर एनीमोर। तो अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि तुमने जितनी भी चीजें सीखी है अभी तक वो तुम्हें एक्चुअल ड्राइंग में कैसे हेल्प करेगी। सो ये मेरा रिसेंट वर्क है, तो इसमें मैंने ये शर्ट की शेडिंग कैसे की है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो पहले मैंने इसमें बेस लेयर, फर्स्ट लेयर एंड सेकंड लेयर को पूरे पे अप्लाई किया, लेकिन अभी तक मैंने इसमें डिटेल्स देना स्टार्ट नहीं किया, ये सिर्फ एक बेस है फर्दर डिटेल्स के लिए। देन उसके बाद मैंने इसमें डिटेल्स देना स्टार्ट किया। अब जैसा कि मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस पार्ट पर लाइट पड़ती है वो लाइट होता है, जैसे जैसे हम उसके पीछे आते हैं तो कंपैरेटिवली डार्कर होता चला जाता है। एंड ठीक इसी तरीके से मैंने पूरे शर्ट में शेडिंग की है। अब एक खास बात, मैंने शर्ट में शेडिंग स्टार्ट करने से पहले उसमें बेस लेयर, फर्स्ट लेयर एंड सेकंड लेयर को पूरे पे अप्लाई किया, देन उसके बाद मैंने उस पे मेन डिटेल्स दी। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें हर बार ऐसे ही करना है। फॉर एग्जांपल जब मैं फेस में शेडिंग करता हूँ या ऐसी जगह शेडिंग करता हूँ जहाँ पर बहुत ज्यादा लाइट शेडिंग है, उस जगह मैं बेस लेयर एंड फर्स्ट लेयर को पूरे पे अप्लाई कर लेता हूँ, देन उसके बाद उसमें मेन शेडिंग स्टार्ट करता हूँ। या फिर ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज्यादा डार्क शेडिंग है तो उस जगह मैं 4-5 लेयर्स पूरे पे अप्लाई करता हूँ, उसके बाद मेन शेडिंग स्टार्ट करता हूँ। इन शॉर्ट इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर शेडिंग। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज हेयर शेडिंग। अब हेयर्स को शेड करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, लेकिन पहले मैं हेयर्स का रफ फिगर बना लेता हूँ। इसे करने के लिए तुम्हें दो चीज पता होनी जरूरी है, पहली चीज हेयर्स कहाँ से आ रहे, दूसरी चीज हेयर्स कहाँ जा रहे। ये पता करने के बाद जहाँ से हेयर्स आ रहे हैं तुम्हें वहां से पेन स्ट्रोक्स मारने शुरू करने है, और यही सेम चीज तुम्हें इसके बॉटम पार्ट से भी करनी है। एंड दिस चीज को तुम्हें रिपीट करना है। अब यहाँ देखो ये जो बाल है इसकी डायरेक्शन है इस तरफ, और हमें ले जाना है इसे उसे दूसरी तरफ। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि जो इसके आगे वाला बाल है वो उसी डायरेक्शन में जा रहा था, हमें उसे ले जाना है, तो इसे हम पूरा वहां तक ले जा लेंगे। तो फिर ये वाला जो बाल है वो इसके पीछे छिपा हुआ है, इस तरीके से हमें सीड करना पड़ेगा जैसा कि मैं कर रहा हूँ।
अब ऐसी जो चीजें होती है उसमें तुम्हें खुद दिमाग लगाना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें किसी वीडियो की जरूरत नहीं है बल्कि तुम प्रैक्टिस के साथ में खुद ही सीख जाओगे। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to... तो चलो थोड़े सिंपल हेयर को स्ट्रेट करते हैं ताकि तुम्हें ये अच्छे से समझ आ जाए। बाल जो है वो इस लाइन में से निकल कर आ रहे हैं और बाल कुछ इस तरफ जा रहे हैं और वहाँ दूसरी तरफ कुछ ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं, थोड़ा ऊपर होके देन नीचे, थोड़ा ऊपर होके देन फिर नीचे के साइड। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन सी जगह सैनी इफेक्ट होगा बालों में। उसके लिए जहाँ पर हेयर बैंड हो रही है या फिर जहाँ पर उसमें कर्व आ रहा है वहाँ पर हमें सैनी इफेक्ट दिखाना है।